लेकिन ये है ग्राउंड ज़ीरो और यहाँ पर लोग इस हालत में हैं और ऐसे रह रहे हैं। और ये दीवार जो है इसने इस पानी को अभी तक रोक रखा है। केजरीवाल और उनकी सरकार के मंत्री ट्विटर और तमाम सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव होते हैं, कोई पानी में चल के दिखाता है, कोई बहते नालों को पानी नाले को दिखाता है कि देखिए पानी बड़ी अच्छी से बह रहा है। अरविंद केजरीवाल करते हैं वो बस दफ्तरों में सीमित होकर के रह जाता है क्योंकि ग्राउंड पे कुछ नहीं दिख रहा। इनकी रिपोर्ट्स कर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए कि अभी शायद चुनाव नहीं है। साथियों, हम लोग यमुना बाज़ार के इलाके में खड़े हैं और चीफ मिनिस्टर जो कुछ दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जो सुबह शाम बोल रहे हैं वो तो आप सुन ही रहे हैं। फिलहाल आप ये देख लीजिए, ये बच्चे महिलाएं और जो स्थिति जैसी है यहाँ की आप ये देख लो। और ये जो पानी आप देख रहे हैं ये दिखाओ अमीश, ये दरअसल करीब 10 से 12 फुट पानी है और ये दीवार जो है इसने इस पानी को अभी तक रोक रखा है, वरना ये पानी अगर उधर गया तो ये आगे की तरफ भी पानी जाएगा। ये यमुना के किनारे का इलाका है, ये लोग यहीं रहने वाले लोग हैं और जिस तरह की व्यवस्था, काम, सिविल डिफेंस और जिस तरह की बातें अरविंद केजरीवाल करते हैं वो बस दफ्तरों में सीमित होकर के रह जाता है क्योंकि ग्राउंड पे कुछ नहीं दिख रहा। ग्राउंड पे किसी के लिए कोई मदद नहीं है और ना कोई सुनवाई है ना कोई पुछवाई है कि भाई आपको दिक्कत है, आपको तकलीफ़ है, आप खाना खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, आप भूखे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन सरकार को ये नहीं पड़ी है कि भाई इन बच्चों के लिए क्या अभी तक कोई इंतज़ाम होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। कोई टेंट लग जाता, कोई कैंप लग जाता ऐसी जगह जहां पानी नहीं आता। पानी इतनी ज़्यादा है कि आप ये देख लो, ये पिलर्स पे खड़े घर हैं, इन सब पे खतरा है और पानी का प्रवाह काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि पिछले एक दिन में पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और ये पानी का जो धार है उससे ये समझ आ रहा है कि ये पानी लगातार बढ़ ही रहा है। लेकिन ये जो लोग हैं जो सरकार में हैं और जो अथॉरिटी के लोग हैं वो बस कहानी बता रहे हैं और शायद दफ्तरों से बैठकर वो तय कर रहे हैं कि दिल्ली में बाढ़ प्रभावित इलाकों में काम क्या हो रहा है और नहीं हो रहा है। लेकिन ज़मीन पे कुछ नहीं दिख रहा भाई, कुछ भी नहीं। ये पूरा इलाका हम घूम करके आए, हमने विजुअल्स बनाए हैं, कोई अपनी छत पे बैठा है, कोई बच्चा उससे ऊपर बैठा है, कोई बूढ़ा बैठा है। ये बालकनी है इस घर की, आप इस घर की हालत देख लो। और लोग ऐसे ही आकर इस इलाके को देख रहे हैं, इनकी रिपोर्ट्स कर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए कि अभी शायद चुनाव नहीं है। केजरीवाल जी लगातार इस बात का बहाना बना रहे हैं कि भाई हरियाणा ने पानी छोड़ दिया, तो ऐसे कोई अलबेली बात नहीं है जो हरियाणा पहली बार पानी छोड़ रहा। पानी ऐसे ही छूटता है, राज्यों में बाढ़ ऐसे ही आते हैं कि एक राज्य दूसरे राज्य की तरफ छोड़ता है पानी क्योंकि उसके आगे भी किसी राज्य ने उसको छोड़ा होता है। बिहार इस बात का बहाना कब तक बनाता रहेगा कि नेपाल पानी छोड़ता है तो बिहार में बाढ़ आ जाता है। भाई बाढ़ आएगा, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, उस पर आपका प्रभाव नहीं है, उसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन उससे लड़ने के, उससे बचने का इंतजाम आप कर सकते हैं, उसमें फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश आप कर सकते हैं। वो कोशिश ज़मीन पर नहीं दिख रही है। ये कहानी ट्विटर पर अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के मंत्री ट्विटर और तमाम सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव होते हैं, कोई पानी में चल के दिखाता है, कोई बहते नालों को पानी नाले को दिखाता है कि देखिए पानी बड़ी अच्छी से बह रहा है। लेकिन ये है ग्राउंड ज़ीरो और यहाँ पर लोग इस हालत में हैं और ऐसे रह रहे हैं। ये अभी हम लोग नाव पे जो दिखा रहे थे आपको वो दीवार से उस तरफ का इलाका है, ये दीवार से इस तरफ का इलाका है और ये दीवार इस इलाके को बचा रही है फिलहाल, जो पानी को रोक कर रखा है। लेकिन ऐसी कई जगह आपको मिल जाएगी जहां पानी आपको रिसता हुआ मिल जाएगा। ये दिखा दो अनीश, ये कई जगह ऐसे हैं जहाँ से दीवार रिस रहा है। अब ये दीवार रिस रहा है या सिस्टम रिस रहा है वो आप तय करें कि नेता, अभिनेता और कलाकार लोग जो हैं वो घरों में बंद होकर एसी दफ्तरों में बैठकर आम जीवन का फैसला करते हैं, ज़िंदगी कैसी है ऊपर वो हमने आपको दिखाई है और लोग कैसे जीने को विवश हैं,
कोई अपना घर छोड़ना नहीं चाह रहा है, क्योंकि उसके जीवन की कमाई पूंजी जो भी उसने खरीदा है वो सब कुछ उस घर में है, वो छोड़कर वो जाना नहीं चाहता है। जो कुछ बचता हो, जो ही बचता हो, वो बचा लेना चाहता है। लेकिन ये पानी रिस रहा है, और ऐसा कई जगह है, हम आपको आगे भी दिखाएंगे, ऐसी कई ऐसी स्पॉट्स हैं इस दीवार में जो पानी लगातार रिस रहा है, पानी लगातार ऊपर की तरफ बढ़ भी रहा है। अब चूंकि वो पानी बढ़ रहा है तो इस दीवार पे दबाव भी बन रहा होगा, तो एक तरह का खतरा ये भी है कि कहीं से अगर ये दीवार टूटती है तो ये पानी जो है चांदनी चौक तक जा सकता है भाई साहब। और ये रिस रहे पानी की कहानी मैंने आपको बता दी है। बाकी बात ये है कि केजरीवाल एंड कंपनी दफ्तरों में बैठकर बहुत काम कर रही है, लेकिन यहाँ हमको ज़मीन पे कुछ दिखा नहीं है।